हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन टैरिफ बैरियर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या फिर इंटरनेशनल ट्रेड का पोर्शन है। इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक को स्टडी किया था, टैरिफ, व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ टैरिफ, मीन्स हम लोगों ने पढ़ा था टैरिफ को। तो अगर आपको टैरिफ का कंसेप्ट पता है देन दिस इज गोइंग टू बी मच इजियर फॉर यू। और आपको टैरिफ का पता है तभी आपको ये जानना चाहिए, बिकॉज टैरिफ का मोटिव अगर आपको पता नहीं चलेगा तो नॉन टैरिफ बैरियर जो गवर्नमेंट इम्पोज करता है या फिर लाता है उसका भी मोटिव आप नहीं समझ पाओगे। तो पहले मोटिव समझना जरूरी है कि इसको लाया क्यों जाता है, फिर आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर फिर भी आप उसको नहीं जानते हो, अगर आपने उसको नहीं देखा है या फिर नहीं पढ़ा है, तो फिर भी ध्यान से इसको सुनिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, एकदम ध्यान से समझते जाइएगा, जो बोलना चाह रहे हैं जो समझते जाइएगा, तो वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा और उससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। तो नॉन टैरिफ बैरियर, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर? फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, नॉन टैरिफ प्लस बैरियर इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए इसका बोलने का मतलब क्या हुआ, इसका बोलने का क्लियर मतलब है कि नॉट टैरिफ, वो टैरिफ नहीं हो बट स्टिल दैट विल बी बैरियर, मीन्स ऐसा चीज या फिर ऐसा पॉलिसी या ऐसा कुछ भी जो कि टैरिफ नहीं है बट फिर भी एक तरह से बैरियर है या रेस्ट्रिक्शन है या फिर आप बोल सकते हो टैरिफ का काम कर रहा होगा, उसको बोलेंगे नॉन टैरिफ बैरियर। आई होप यू गाइस गॉट इट, आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि नॉन टैरिफ बैरियर बोलने का क्या मतलब है कि दैट इज नॉट टैरिफ, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर टैरिफ, बट द पर्पस ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। अभी तक हमने ये नहीं बताया कि पर्पस क्या है और हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, बट मैं बताना क्या चाह रहा हूँ बस उसके थोड़ा थोड़ा सा लिंक करते चलिए, तो देखिएगा आप आगे और अच्छे से समझ जाइएगा कि दैट इज नॉट अ टैरिफ बट स्टिल द पर्पस और द फंक्शन और द ऑफ इज द सेम, दैट इज टू रेस्ट्रिक्ट। नाउ टू रेस्ट्रिक्ट व्हाट, टू रेस्ट्रिक्ट व्हाट? तो इसके लिए आपको टैरिफ का थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि टैरिफ का बेसिक फंक्शन क्या था। टैरिफ को जब हम लोगों ने डिफाइन किया था तो देखा था, ठीक है, कि टैरिफ इज समथिंग विच इज इम्पोज टू रेस्ट्रिक्ट और विच इज समथिंग, जनरली ऐसा बोला जाता है, टू रेस्ट्रिक्ट और टू इम्पोज, विच इज इम्पोज टू रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट, बट जनरली उसको एक्सपोर्ट के टर्म में भी यूज किया जाता है, बट हम लोग एक्सपोर्ट को अभी साइड कर रहे हैं, अपने आप को लिमिट कर दे रहे हैं इम्पोर्ट के लिए ही, कि वैसा कोई टैक्स पॉलिसी जो कि इम्पोज किया जा रहा है इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या उसको थोड़ा सा कम करने के लिए। तो टैरिफ का मेन मोटिव क्या था, इम्पोर्ट को घटाना था, इम्पोर्ट को घटाना था। तो ये जो बैरियर है या फिर ये जो रेस्ट्रिक्शन है उसका भी पर्पस क्या होगा, उसका भी पर्पस होगा इम्पोर्ट को घटाना। अब थोड़ा सा और एक बार हम लोग लिंक करते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर बोलने का मतलब क्या कि टैरिफ नहीं है फिर भी एक तरह का बैरियर है या फिर रेस्ट्रिक्शन है जिसका पर्पस क्या होगा, जिसका पर्पस होगा इम्पोर्ट को घटाना। ये बेसिक चीज आपको अभी हम लोग जितना दो या तीन वीडियो बनेगा इस पे बेसिक आपको इतना दिमाग में बैठा लेना है कि वो टैरिफ नहीं है। टैरिफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि टैरिफ, हाँ भाई टैरिफ एक तरह का टैक्स है या फिर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जा रहा है और जिसके थ्रू इम्पोर्ट को घटाया जाता है, जो दूसरे कंट्री के द्वारा हम लोगों के कंट्री में इम्पोर्ट हो रहा है तो उसको अगर हम लोग घटाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या करता है, टैरिफ फिक्स कर देता है कि आपको इतना टैक्स देना है हम लोगों को अगर आप मेरे कंट्री में मार्केट में अगर ये ट्रेड करना चाह रहे हो तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टैरिफ नहीं है, हम लोग टैरिफ के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई बैरियर या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस सेम है, इम्पोर्ट को घटाना। ओके, सो आई होप यू गाइस गॉट इट। चलिए अब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं वर्ड के फॉर्म में, अगर आप इसको समझ रहे हो तो अच्छा होगा एंड आई होप कि आप समझ गए हो।
तो चलिए अभी हम लोगों ने जो सीखा है बस उसी को हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में लिख दिया है और अब हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। तो क्या है नॉन टैरिफ बैरियर? नॉन टैरिफ बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स टू इंपोर्ट अदर देन टैरिफ। जो लास्ट में मैंने बताया था पर्पस सेम है। पर्पस क्या था? इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना था या फिर उसको घटाना था। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टैरिफ बैरियर आर ऑब्स्टेकल्स टू इंपोर्ट। वो एक तरह से ऑब्स्टेकल्स है। किसके लिए ऑब्स्टेकल्स है? इंपोर्ट के लिए अदर देन टैरिफ। टैरिफ का छुड़ा के इंपोर्ट के लिए। अब यहाँ पे एक हम लोग बेसिक समझ सकते हैं कि इंपोर्ट जो हो रहा है हम लोगों के कंट्री में, दूसरे कंट्री जो हम लोगों के कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, बोलने का क्या मतलब, हम लोगों के कंट्री में जो इंपोर्ट हो रहा है अब उसको बाधा या ऑब्स्टेकल्स कितना वे में क्रिएट हो सकता है? दो वे में। एक वे क्या है? एक है गवर्नमेंट के द्वारा टैरिफ को इम्पोज कर दिया जाए। दूसरा मेजर क्या है? दूसरा मेजर है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन टैरिफ बैरियर, उसके द्वारा हम लोग, वो भी एक तरह से बाधा का काम करता है। किसके लिए बाधा का काम करता है? टू द इम्पोर्टेड गुड्स विच आर इम्पोर्टेड इन एनी कंट्री। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टैरिफ बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स टू इम्पोर्ट अदर देन टैरिफ। अब आइए सब में उसी को और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी लाया जाता है जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है। किसके किसके बीच करता है? बिटवीन इम्पोर्टेड गुड्स एंड डोमेस्टिक गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स बोलने का क्या मतलब? जो दूसरे कंट्री के द्वारा हम लोगों के कंट्री में लाया जा रहा है या फिर जो दूसरा कंट्री हम लोगों के कंट्री में इम्पोर्ट कर रहा है और जो हम लोगों के कंट्री में बन रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं डोमेस्टिक गुड्स। तो किसके किसके बीच डिस्क्रिमिनेट कर रहा है? बिटवीन द डोमेस्टिक गुड्स एंड इम्पोर्टेड गुड्स। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो किस टाइप का होगा, थोड़ा इसको समझते हैं। डिस्क्रिमिनेशन तो हो गया, तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसका बोलने का क्या मतलब? एक को फायदा हो रहा होगा, एक को नुकसान हो रहा होगा। अब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? कॉमन सी बात है। आप थोड़ा सा टैरिफ को समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप टैरिफ समझ गए होंगे तो ये भी इजीली समझ जाएंगे। टैरिफ का मेन मोटिव क्या था? इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना। मतलब क्या है कि डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट करना। तो यहां भी क्या होगा? मोटिव तो सेम है, चाहे टैरिफ हो या नॉन बैरियर टैरिफ हो, नॉन टैरिफ बैरियर हो, दोनों का मोटिव सेम है। तो यहां पे भी क्या होगा? डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट करना चाहेगा गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू इंपोर्टेड गुड्स। वो चाहेगा कि इंपोर्टेड गुड्स जो हम लोगों के कंट्री में आ रहा है उसका थोड़ा सा वो कम हो जाए और डोमेस्टिक गुड्स को ज्यादा लोग यूज करना, कंजम्पशन स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स दैट आर टेकन टू डिस्क्रिमिनेट। अब ये मेजर्स किस लिए लिया जाता है? ये मेजर्स लिया जाता है टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट फॉरेन गुड्स, ताकि इन दोनों के बीच फॉरेन गुड्स एंड इन फेवर ऑफ डोमेस्टिक गुड्स डिस्क्रिमिनेशन अराइज हो, डिस्क्रिमिनेशन हो। और वो डिस्क्रिमिनेशन किस टाइप में हो या किस वे में हो? वो डिस्क्रिमिनेशन कुछ इस वे में हो कि जो फॉरेन गुड्स को फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट में हो और डोमेस्टिक गुड्स के फेवर में हो। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स टू इंपोर्ट अदर देन टैरिफ। अब इसी को और इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर या कुछ पॉलिसी लाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जो कि डिस्क्रिमिनेट करने का काम करता है। डिस्क्रिमिनेट किस वे में करता है? डिस्क्रिमिनेट ऐसा करता है बिटवीन फॉरेन गुड्स एंड डोमेस्टिक गुड्स, जहां पे फॉरेन गुड्स का वो अगेंस्ट में हो जाता है और डोमेस्टिक गुड्स के फेवर में हो जाता है कि उसके उसको उसका बिक्री ज्यादा हो। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन कैसा हो ये बोलने का मतलब वो समझना है आपको कि वो वहां पे इम्पोर्टेड गुड्स का अगेंस्ट में जा रहा है और यहाँ पे डोमेस्टिक गुड्स के फेवर में डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर, जिसको कि शॉर्ट में क्या बोला जाता है? NBT। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि अब ये ऑब्स्टेकल्स या फिर जो बैरियर होता है वो किस इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो बेसिकली कितना क्लासिफाई किया गया, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है क्वांटिटेटिव ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्शन
क्वांटिटेटिव ट्रेड रेस्ट्रिक्शन बोलने का क्या मतलब खुद देखिए, यहाँ पे क्या वर्ड है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव बोलने का क्या मतलब क्वांटिटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या हो रहा है कि जो मेरे कंट्री में इम्पोर्ट हो रहा है, जितना गुड्स इम्पोर्ट हो रहा है, जितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स इम्पोर्ट हो रहा है, उस क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। बोलने का मतलब क्या, फिर से समझिए कि अगर इतना क्वांटिटी अगर हम लोगों के कंट्री में इम्पोर्ट हो रहा है किसी भी गुड्स का, तो इसको घटा के थोड़ा सा इतना किया जाए, या फिर इतना किया जाए, या फिर इतना किया जाए, वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन कम किया जाए, मतलब जितना क्वांटिटी हम लोगों के कंट्री में इम्पोर्ट हो रहा है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए। तो अगर क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कोई भी पॉलिसी लाया जा रहा है, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, तो क्वांटिटी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। इसके अंदर एक है वॉलंटियरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, जिसको कि शॉर्ट में VER भी बोला जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे बाद में, बट अभी क्लासिफिकेशन आज हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन या पहला कैटेगरी क्या था, क्वांटिटेटिव ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, जिसमें मेन मोटिव क्या था गवर्नमेंट का कि जितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स हम लोगों के कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है, उस क्वांटिटी पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए। कि अगर पहले तुम 10 क्विंटल चावल का या कुछ भी इंपोर्ट कर रहे थे मेरे कंट्री में, तो अब तुम 4 क्विंटल करोगे। अब कैसे होगा वो हम लोग थोड़ा सा बाद में इसको देखेंगे। दूसरा फिस्कल मेजर, फिस्कल मेजर बोलने का क्या मतलब, थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है फिस्कल मेजर, जहां पे वे वर्ड यूज हो। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, सब्सिडी देता है। सब्सिडी क्या होता है थोड़ा सा वो समझिए, आप लोग सुनते होंगे गैस में सब्सिडी, इसमें सब्सिडी। सब्सिडी इज लाइक अ अलाउंस विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द कंपनीज। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भाई हम उसके बदले आपको पे कर रहे हैं, आप उसका प्राइस घटा दो। अगर आप उसको 100 में देने वाले थे, तो हम आपको 50 दे रहे हैं, आप उसको 50 में दो। तो गवर्नमेंट सब्सिडी ऐसे देता है। तो यहाँ पे क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडी देता है, बहुत सारा यहाँ पे भी आता है, क्रेडिट देता है। तो इन सभी के द्वारा गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या हो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। तो जैसे ही एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, देन इन ऑर्डर एक्सपोर्ट कब प्रमोट होगा, जब हम लोगों के कंट्री में फुलफिल हो जाए डिजायर या और डिमांड, वो अगर पूरा हो गया और अब थोड़ा सा बच रहा है, तब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादातर। तो इन द कंडीशन, इन द सेंस बोलने का क्या मतलब कि इंपोर्ट खुद ब खुद घट जाएगा अगर हम लोग एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारा है, जैसे एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन सब्सिडीज, उसके बाद है एक्सपोर्ट क्रेडिट, बहुत सारा है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन दूसरा कैटेगरी क्या है, फिस्कल मेजर, जहां पे गवर्नमेंट का मोटिव वही रहता है कि एक्सपोर्ट को मजबूत करना, इंपोर्ट खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। तो इसमें गवर्नमेंट एक नया नया पैरामीटर निकालता है कि आपका पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है फैक्ट्रीज, इंपोर्टेड गुड्स अगर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, या फिर फेवरेबल नहीं है इकोनॉमी के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा ऐसा पैरामीटर निकालता है, उसके बेसिस पे बोलता है कि आप अब कम करो इसका, यहाँ पे आप इतना इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर है जिसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि इंपोर्टेड गुड्स का अब इंपोर्टेड गुड्स का हम लोगों को कंट्री में कम इंपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल तीन बेसिस यही है जिसमें कैटेगराइज किया गया, या फिर जो कि एक गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में इम्प्लीमेंट करता है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द अमाउंट और टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, रेदर टू इम्प्लीमेंट टैरिफ, वो टैरिफ को ना इम्प्लीमेंट करके दूसरा मेजर लेता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आई होप यू गाइज गॉट इट। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छा बात है, नहीं आया तो बताइएगा, फिर कुछ किया जाएगा। और अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप यू गाइज गॉट इट, समझ में आ गया, मैं ये आशा करता हूँ। थैंक्स।